क्लास 8 चैप्टर 4 पार्ट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट सेकंड वीडियो में हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखा था, अब देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड से नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, और मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं H2O गैस एंड पॉप साउंड। उस साउंड के पास अगर आप माचिस की तीली ले जाएंगे तो वहाँ पे आग चिंगारी निकलेगी। मेटल जो एसिड से रिएक्ट करेंगे H2O गैस और पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बट कॉपर जो है वो मेटल है, लेकिन HCl से, HCl जो है एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन H2SO4 से रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म H2O गैस, बेस से भी रिएक्ट करके H2O गैस प्रोड्यूस करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मेटल्स रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और H2O गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से भी, मेटल्स वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। सोडियम जो कि मेटल है वो वाटर और ऑक्सीजन से बहुत तेजी से, वेरी रिएक्टिव मेटल है, विग्रोसिस मेटल्स है जो कि काफ़ी रिएक्टिव रिएक्ट होता है, इस कारण इसको केरोसिन में रखा जाता है। लिथियम, पोटाशियम एंड सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। बट आयरन जो वाटर से रिएक्ट करता है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, जो कि रस्ट के रूप में ऑक्साइड बनाता है और रस्ट बन जाता है, तो ये बहुत धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है। आयरन रिएक्ट स्लोली, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल वाटर से नहीं रिएक्ट करता है, और फॉस्फोरस को वाटर में हम स्टोर करते हैं, ऐसे नहीं रख सकते हैं। इसके बाद पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो रिप्लेस हो जाएगा लेस रिएक्टिव मटेरियल की जगह पे, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं मोर रिएक्टिव मेटल के प्लेस पे डिप्लेस नहीं हो पाते हैं, वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल displace less reactive metal is called displacement reaction. For example, copper aluminium, zinc, iron or copper. यानी copper सबसे less reactive metal है, जबकि aluminium more reactive metal है. Aluminium react कर सकता है copper से, लेकिन copper जो aluminium से react नहीं कर सकता है। कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है, लेकिन जिंक सल्फेट कॉपर से रिएक्ट करने के बाद कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट मेटल में पढ़ेंगे हम यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यूज ऑफ नॉन मेटल, मेटल का यूज होता है, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्री गैजेट, वी अनस्टील वाटर बॉयलर्स, एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन इनहेलेशन। इनहेलेशन में नॉन मेटल का यूज होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, फर्टिलाइजेशन, नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, N2 and P जो फॉस्फोरस का यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में नॉन मेटल का यूज होता है, यानी कि क्लोरीन का, और एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन का यूज होता है, और क्रैकर में नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ क्रैकर, पटाखे में सल्फर का यूज होता है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप होमवर्क है कि यूजेस ऑफ होमवर्क, राइट द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।